श्री साई राम। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। इतना सुनकर महाराज परीक्षित बड़े आनंदित हुए। उनका मुख उत्साह और आनंद से चमक उठा और उन्होंने प्रश्न किया, हे स्वामिन, जब धर्मावतार भगवान राम के जीवन और कार्यों, उनके दैविक गुणों और आकर्षण का थोड़ा सा वर्णन सुनकर ही मुझे इतना अधिक आनंद आया है, तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं विस्मित हूँ कि आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनकर कितना आनंद प्राप्त होगा। श्याम सुंदर तो सौंदर्य और आकर्षण के मूर्ति स्वरूप हैं। उनकी बाल लीलाओं, किशोर क्रीड़ाओं और महिमाओं का वर्णन कितना मधुर और सुखद होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे जितने दिन अवशेष हैं, उतने दिनों तक आप कृपा कर मुझे श्री कृष्ण की दिव्यता और महानता, माधुर्य, सौंदर्य और आकर्षण के कथन, मनन, चिंतन और ध्यान में निमग्न रखिए। बस एक ही प्रार्थना है, जन्म और मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित की बात सुनकर कहा, हे राजन, तुम ठीक कहते हो। श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी अद्भुत और निराली हैं, किंतु बड़ी मधुर और अर्थपूर्ण भी। अपने दैविक स्वरूप को प्रदर्शित करने की भावना से उन्होंने वे लीलाएं नहीं की थी। साधारण मनुष्य केवल उनके बाहरी रूप, चमक दमक से आकर्षित हो जाता है, इसलिए वह उनके केवल बाहरी रूप से ही प्रभावित होता है और उसी निम्न आधार पर उनको समझता और परखता है। आंतरिक गूढ़ अर्थ अधिकतर लोगों की समझ और पहुंच के परे होते हैं। भगवान कभी उद्देश्यहीन और तुच्छ कार्यों में नहीं लगते। उनका तो आगमन ही संसार को दुष्टों के चंगुल और अधर्म के दलदल से बचाने और उबारने, भक्तजनों का संरक्षण करने, सत्य और धर्म की पुनः संस्थापना करने और वेदों के पुनरुद्धार करने के लिए होता है। किसी के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अर्जित योग्यता के आधार पर भी भगवान उस पर कृपा और अनुग्रह करते हैं। उनकी लीलाएं देश और काल के अनुसार होती हैं। हृदय की प्रेरणा और करुणा के अनुसार ही कृपा दृष्टि होती है। इसलिए कौन उनकी लीलाओं को सरलता से सही रूप में समझ सकने में समर्थ है? उनकी लीलाओं के संबंध में तो इतना ही कहा जा सकता है, हरि ही जाने हरि की लीला। वे ही अपनी लीलाओं को समझते हैं, या फिर वे जिसे वे स्वयं समझाते हैं। सोई जाने जे ही देहु जनाई। हाँ, इतना तो विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भगवान का अवतार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है, व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति या निहित स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए नहीं होता। उनके बिना न तो संसार की उत्पत्ति हो सकती है और न ही उनके बिना संसार स्थित रह सकता है, किंतु वे रहते संसार से निर्लिप्त हैं, जैसे उससे उनका कोई संबंध ही नहीं है। उनके प्रत्येक शब्द, कार्य और व्यवहार में यह निर्लिप्तता प्रकट होती है। जो समस्त संसार को अपनी हथेली में रखे हों, उन्हें संसार क्या दे सकता है? वे जैसा चाहते हैं उसे बनाते हैं, नचाते हैं। नास्तिक, जिनकी भगवान में आस्था और विश्वास नहीं, मूर्ख लोग और अज्ञान अंधकार में फंसे अज्ञानी जन ही भगवान की लीलाओं के अर्थ के अनर्थ लगाया करते हैं। उन्हें सामान्य व्यक्तियों के कार्य के समान स्वार्थ प्रेरित और दिखावा या जाल समझते हैं, किंतु भगवान के सच्चे भक्त उन्हें अति महत्वपूर्ण, भगवान की कृपा और अनुग्रह के प्रतीक रूप में ग्रहण करते और मानते हैं। अज्ञान अंधकार में फंसे लोग भला उनको कैसे समझ सकते हैं? हे राजन, ज्ञात रहे
कि कौशल नरेश श्री राम और यशोदा नंदन श्री कृष्ण के कार्य अलग अलग थे। जब दुष्ट और धर्म के शत्रु समस्त शुभ और सत्य को पूर्ण पराजित करने वाले थे श्री कृष्ण और बलराम का क्रमशः श्याम और गौर वर्ण के रूप में अवतार हुआ और उनके कार्य मनुष्यों की समझ की सीमाओं के परे पहुंच गए। संसार उन्हें देखकर स्तंभित और चकित रह गया। कृष्ण की लीलाएं तो सबकी समझ के परे हैं, फिर चाहे कोई कितना भी विद्वान हो। उनका रूप माधुर्य, उनकी चाल ढाल, उनका वाणी विलास, उनकी भाव भंगिमा, उनकी मुस्कान, उनका हास्य विनोद अति अद्भुत और कलापूर्ण से ओतप्रोत था। उनके कार्य और व्यवहार इतने निराले होते थे कि कुछ समझ ही नहीं आता। अधिकतर ऐसा लगता कि वे बहुत नटखट और उद्दंड हैं और अव्यवस्था पैदा कर देना ही उनका काम है। चलते पूर्व की ओर तो देखते पश्चिम की ओर। उनकी आंखों ही आंखों के संकेतों से उनकी आपस में बातें हो जाती थी। सांसारिक सीमाओं की तो उन्होंने कभी परवाह की ही नहीं और न कभी अनुशासन माना। नए और पुराने के भेद को कभी स्वीकार नहीं किया और दोनों ही के साथ समान रूप से व्यवहार किया। न कभी भाई भतीजावाद और कुनबा परस्ती को प्रश्रय दिया और न कभी रूढ़िवाद के पोषक बने। वे जहां भी जाते कोई न कोई नया उपद्रव खड़ा कर देते थे। जहां कहीं पहुंचते वहीं समुद्री तूफान सा आ जाता था। जिस किसी भी घर में घुस जाते उसमें सब कुछ उलट पलट देते, घर में रुदन मच जाता, किंतु वे स्वयं हंसते हुए निकल जाते। किसी भी घर में उन्हें विधिपूर्वक निमंत्रण देकर बुलाने की आवश्यकता नहीं होती थी। वे जिस घर में चाहते किसी भी समय बिना बुलाए मेहमान बनकर घर में घुस जाते और जो कुछ भी लेने की इच्छा होती ले लेते। चाहे वह वस्तु कहीं भी रखी या छिपाई गई हो उनसे बच न पाती थी। मानो हर घर ही उनका अपना घर हो। वे स्वयं जी भर कर खाते और साथियों को भी खिलाते और उनके सखा भी बहुत संख्या में उनके साथ रहते थे। जिस घर में घुसते उसका गृहस्वामी कुछ भी कहे, उन्हें उद्दंड, चोर आदि किसी भी नाम से संबोधित करे, इसकी उन्हें तनिक भी चिंता नहीं रहती थी और घर की प्रत्येक वस्तु को अपनी समझते हुए अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग करते, चाहते तो तोड़ फोड़ देते और फिर किसी को दे देते। उन्हें रोक सकने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी और न कोई उनके कहने के विरुद्ध जा सकता था। यदि कोई उनका विरोध करने, उन्हें भय दिखाने का साहस करता तो फिर उसकी खैर नहीं रहती थी। ऐसी विपदाओं और मुसीबतों का पहाड़ उस पर ढहाते कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु एक बात अवश्य थी, उनकी हर बात में और प्रत्येक कार्य में, उपद्रव और उद्दंडता में भी ऐसा प्रेम और मिठास होता था कि किसी की कितनी भी क्षति हुई हो या कष्ट पहुंचा हो वह उस प्रेम से अछूता नहीं रहता था और उसका ऐसा प्रभाव था कि जो भी क्रोध आता शांत हो जाता। लोग उनसे मिलने को आतुर रहते, उनके साथ वार्तालाप करने, खेलने कूदने और अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताने के लिए लालायित रहते थे। उनके मनोविनोद और क्रीड़ाएं कभी किसी के लिए कितनी भी कठोर होती कोई बुरा नहीं मानता था। इसका कारण यह था कि उनका प्रत्येक कार्य और व्यवहार विशुद्ध प्रेम से प्रेरित होता था। गोपियां उन्हें लकड़ी लेकर मारने दौड़ती, किंतु उनके पास पहुंचकर जैसे ही उनकी आंखों में देखती हाथ की लकड़ी छूट जाती। प्रेम से हृदय भर जाता और डांट के स्थान पर उनकी जिह्वा पर होते अनुनय विनय के शब्द। उनका प्रत्येक कार्य एक दैविक लीला होता था और उसके वार्तालाप का ढंग अपनी विशिष्टता रखता था। उनकी बातें इतनी मधुर किंतु चतुराईपूर्ण होती थी कि लोग कुछ का कुछ समझ जाते और फिर मूर्ख बन जाते। बड़ी विचित्र होती थी उनकी बातें।
अपने साथियों के सामने तो मुंह में मिट्टी भर ली, किंतु जब उनकी माँ ने उन्हें ऐसा करने के लिए डांटा फटकारा तो साफ मना कर दिया और अपनी जीभ निकालकर बता दी। कभी दूसरों की कही बातों को झूठा सिद्ध कर देते तो कभी अपनी किसी झूठ बात को सही सिद्ध कर देते। वे राधा के गांव वृषभानपुर नित्य जाते थे। लोग उन्हें वहां रोज जाते आते देखते थे, किंतु जब उनकी माँ ने उन्हें रोका और डांटा कि तुम रोज रोज इतनी दूर क्यों जाते हो, क्या यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए साथियों की कमी है, तो उनका उत्तर था, मैं तो उस गांव का रास्ता तक नहीं जानता। हर घर में झगड़ा करवा देते, सास बहू में आपस में मतभेद पैदा करवा देते, उन्हें आपस में लड़वा देते और स्वयं तमाशा देखा करते। प्रातः उठने से लेकर रात्रि में सोने तक कभी एक स्थान पर तो वो टिकते ही नहीं थे। बस नई नई लीलाओं की पोटली कभी इस घर में खुलती तो कभी उस घर में, और बिना किसी आराम के दिन भर यही क्रम चलता रहता था। इतना सब कुछ होते हुए भी थोड़े से समय की उनकी अनुपस्थिति भी लोगों के लिए असहनीय हो जाती थी। किसी छल कपट को तो वे तत्काल पहचान लेते थे, चाहे कोई लाख यत्न करके चाल चलता। राक्षसी पूतना छद्म वेश में आई और कृष्ण को गोद में खिलाते और प्यार करते हुए विष भरा स्तनपान करवाने लगी, किंतु श्री कृष्ण ने उसका स्तनपान करते करते उसे पृथ्वी पर चित्त कर दिया और उसके प्राण हर लिए। कई असुर उनका प्राण हरने के लिए आए, कोई ग्वालों में ग्वाल बनकर आ मिला तो कोई गोपियों में गोपी बनकर या फिर पशुओं में पशु बनकर, किंतु कोई भी श्री कृष्ण की पैनी दृष्टि से बचकर नहीं निकल सका और उसे श्री कृष्ण के हाथों यमलोक ही देखना पड़ा। एक असुर बछड़ा बनकर उन गायों में आ मिला जो श्री कृष्ण अन्य ग्वालों के साथ चरा रहे थे। वह कृष्ण को मारने का अवसर ताकने लगा, किंतु 3 वर्ष की लघु आयु वाले दिव्य बालक श्री कृष्ण से उसका कपट रूप कहाँ छिप सकता था। श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर ऐसा घुमाया कि वह धराशायी हो दम तोड़ गया। उस बाल्य अवस्था में ही उनमें इतना बल और कौशल था कि वह उनकी अवस्था को देखते कल्पनातीत लगता था। वे लोगों में विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अपनी दिव्यता और गहनता का सहस्र विधियों से परिचय देते थे। वे सबको समान रूप से सदुपदेश देते, चाहे कोई बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सज्जन हो या दुष्ट, भाई बंधु हो या शुभचिंतक, शत्रु हो या मित्र। जो दुष्ट बात नहीं मानते थे और अपने अत्याचारों से जनता को दुख देते, उनके साथ उनका दूसरा व्यवहार होता और उन दुष्टों की हड्डी पसली चूर करके रख देते थे। उनके मामा कंस ने राजमद और शारीरिक बल के अभिमान से चूर हो जब अत्याचारों और अनाचारों की अति कर दी तो फिर श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर उसे राज सिंहासन से केश पकड़कर नीचे खींच लिया और मुष्टिका प्रहारों से उसे मार डाला तथा महल के द्वार से घसीटते हुए शहर के चौराहों से होकर यमुना के किनारे लापटका। मथुरा की सारी जनता श्री कृष्ण के अद्भुत बल और पराक्रम को देखकर चकित थी कि कैसा अद्भुत मिश्रण था, शौर्य, वीरता, माधुर्य, प्रेम, सौंदर्य, विनम्रता और सरलता का। जब श्री कृष्ण शैशव अवस्था में ही थे, उन्होंने पूतना, तृणावर्त और शकटासुर का वध किया। उस समय तो वे नटखट माखन चोर के रूप में ही माखन चुराया करते थे। एक बार जब उनकी माता ने उन्हें लकड़ी के ऊखल में बांध दिया तो वह ऊखल को घसीट कर ले गए और पास खड़े 2 विशाल वृक्षों के बीच ऊखल फंसा दिया और तनिक जोर देकर ऐसा खींचा कि वे दोनों वृक्ष, जिन्हें यमलार्जुन कहते थे और जो किसी समय नलकूबर और मणिग्रीव नाम से कुबेर के लाडले पुत्र थे,
और नारद के शाप से वृक्ष बन गए थे उखड़ गए, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने यमलार्जुन का उद्धार किया। कालियनाग ने यमुना का जल इतना दूषित और विषाक्त कर दिया था कि वह न तो मनुष्यों के लिए उपयुक्त रह गया था और न ही पशुओं के लिए। यदि भूल से भी कोई यमुना के जल का उपयोग कर लेता तो उसके घातक परिणाम होते, किंतु श्री कृष्ण ने उस विशाल विषधर को बाल क्रीड़ा में ही समाप्त कर दिया। एक बार जब उनकी माता ने उनकी कमर के चारों ओर रस्सी लपेटकर बांधने का प्रयास किया तो उन्होंने माँ को अपने विश्वरूप के दर्शन करा दिए, जिसमें समस्त विश्व उनका एक अंश मात्र भासित होता था। जम्भाई लेते हुए जो एक बार मुख खोला तो विश्व की समग्र विशालता और लघुतम सूक्ष्मता दोनों ही एक साथ प्रदर्शित कर दी। माता पिता और समस्त गोकुल निवासी उनके इस अद्भुत दैविक रूप को देखकर विस्मित और आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने ग्वाल सखाओं को अपने दैविक धाम वैकुंठ के दर्शन कराए। उन्होंने परंपरा से चली आ रही इंद्र की पूजा को बंद करवाने के लिए नंद जी से कहा और उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा पर बल दिया। जब इंद्र की पूजा बंद हो गई तो वर्षा के देव इंद्र अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और इतनी घोर वृष्टि की कि मानो प्रलय हो, किंतु श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे सब ग्रामवासियों को समस्त पशुओं सहित बुला लिया और उनकी रक्षा की। इंद्र पराजित हो गए। उन्होंने अपनी बाल क्रीड़ाओं और वंशी के संगीत से युवा गोप गोपियों को समस्त कठिन परिस्थितियों से लड़ते लड़ाते हुए सदा प्रसन्न और आनंदित रखा। उनकी इन संगीत लीलाओं और क्रीड़ाओं को किसी प्रकार की हेय या नीच भावना से देखना अथवा गलत अर्थ लगाना अत्यंत कुत्सित और मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। चांदनी रात में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते थे। इस सामूहिक नृत्य में श्री कृष्ण एक से अनेक श्री कृष्णों के रूप में प्रकट हो सहस्रों गोपियों के साथ अलग अलग नृत्य करते। कुछ लोग भगवान की इस रासलीला के संबंध में बड़े कुत्सित विचार रखते हैं और भगवान पर अनैतिकता और कामुकता आदि के लांछन लगाते हैं, जो नितांत असत्य और मूर्खतापूर्ण है। इस प्रकार के आरोपों के लिए कोई आधार है ही नहीं। श्री कृष्ण की आयु तो उस समय केवल 5-6 साल की ही थी जब उन्होंने इस प्रकार की लीलाएं की थी। फिर भला किस प्रकार इन लीलाओं को कामुकता अथवा भोग विलासपूर्ण कहा जा सकता है? यह रास लीला तो प्रत्येक गोपी पर भगवान के अनुग्रह का प्रतीक थी। यह तो गोपियों की भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का ही प्रतिफल था। यह गोपियों के पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का सुफल था कि भगवान का इस प्रकार सान्निध्य और अनुग्रह उन्हें प्राप्त होता था। कैसी विडंबना है कि दैविक अवतार को लोग सामान्य मनुष्य समझते हैं और उन पर चोर लंपट कामुक होने के आक्षेप लगाते हैं, किंतु क्या कोई मनुष्य जो कुछ श्री कृष्ण ने किया था उसका कणमात्र भी समझ सकने में समर्थ हो सकता है? उन्होंने प्रलंब धेनुक केशी वानासुर अरिष्टासुर कंस नरकासुर पौंडरक द्विविदा जरासंध दंतवक्र संबर कंबोज कुरु मत्स्य कैकई और ऐसे ही अनेक अपार बलशाली असुरों अन्यायियों और अत्याचारियों को मारकर संसार की रक्षा की थी। क्या इतना कुछ कर सकना किसी एक मनुष्य के सामर्थ्य और बलबूते की बात है? इस अवतार में भगवान का प्रत्येक कार्य अद्भुत चमत्कारों से पूर्ण था। क्रोध में भी उनके प्रेम की प्रधानता रहती थी और प्रेम पूर्ण स्पष्ट व्यवहार में तो उनकी दया और करुणा का अजस्र स्रोत प्रवाहित रहता था। उनके दर्शन स्पर्शन और संभाषण से मुक्ति प्राप्त हो सकती थी। जो उनका नाम लेते थे अमरत्व प्राप्त कर लेते थे।
वे ग्वाल बाल जो उनके साथ रहते थे, जब कभी उनकी अद्भुत लीलाओं को देखते या उनका स्मरण करते तो उन्हें अमृत पान का सा आनंद प्राप्त होता था। हे राजन, भागवत में वृंदावन, गोकुल, मथुरा, नंद, यशोदा, वसुदेव, देवकी तथा अन्य की पृष्ठभूमि में भगवान श्री कृष्ण की कथा मात्र ही नहीं है, बल्कि इसमें भगवान के अन्य अवतारों का भी वर्णन किया गया है। सभी अवतार उसी गोलोक या वैकुंठवासी गोपाल श्री कृष्ण के ही थे। उनमें से प्रत्येक की कथा वासुदेव की ही कथा है। प्रत्येक अवतार उन्हीं से अवतरित हुआ और उन्हीं में विलीन। वही दैविक शक्ति सर्व समस्त अवतारों का और सभी जीवों का आधार है। अध्याय 36। भगवान के अवतारों की कुछ संक्षिप्त कथाएं। हे राजन, भगवान सर्वशक्तिमान है। उनके लिए संभव और असंभव का कोई भेद नहीं है। मनुष्य के पास जो शब्दावली है उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह भगवान के अद्भुत चमत्कारिक कार्यों, क्रीड़ाओं और लीलाओं का पूर्ण विवरण कर सकने में समर्थ हो सके। भगवान निर्गुण निरूप हैं और विराट पुरुष का वह रूप भी धारण करते हैं जिसमें समस्त सृष्टि ही समा जाती है। वह हैं एक, किंतु रूप अनेक धारण करते हैं। लोग आपस में कहते हैं कि भगवान ने मत्स्य, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आदि अनेक रूपों में अवतार लिया, किंतु इस कथन में भगवान की दिव्यता और महिमा पूर्ण रूप से नहीं आ पाती। हमें तो इस बात का साक्षात अनुभव करना और देखना है कि सब रूप उनके ही रूप हैं, सब दृश्य और अदृश्य उनका ही प्रसार है, उनकी ही प्राण शक्ति से सबका जीवन है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि उनकी इच्छा मात्र से समस्त सृष्टि है और उसके कण कण में वे समाये हुए हैं। उनसे विलग, उनसे परे, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। किंतु संसार के संरक्षण, धर्म की संस्थापना एवं पोषण, भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान विशेष रूप धारण करके अवतरित होते हैं और संसार में विचरण करते हैं। अपने दैविक कार्यों और महिमाओं द्वारा भगवान अपने भक्तों के हृदय में अपने आगमन की पुष्टि करते हैं और उनके हृदय में आनंद का संचार करते हैं। इससे भक्तगणों में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास सुदृढ़ और सबल हो जाते हैं और वे अपने समस्त कार्य भगवान को अर्पित करते हैं। उनमें आसक्ति नहीं रहती और वे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए लोग भगवान के उपरोक्त रूपों का, जो उन्होंने अवतार के रूप में विशेष उद्देश्य के साथ धारण किए, विशेष रूप से पवित्र मानते और भगवान के उन अवतार रूपों की पूजा करते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर भगवान ने अंश रूप में कलावतार लेकर समय विशेष की विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों का समाधान और निराकरण किया। इस प्रकार के अंश अवतारों के द्वारा भगवान के संसार को संरक्षण प्रदान करने के अनेकों उदाहरण हैं। ओम श्री साई राम। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।